मैं कब से अपने बालों को जमा रहा हूँ भाई, ये जम नहीं रहे। ओके ना उसे छोड़ो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं असेसिन क्रीड रिजोल्यूशन रिवोल्यूशन, क्या नाम था मैं तो भूल ही गया, चलो छोड़ो। ऑलराइट गाइस नाउ अभी मैं आ चुका हूँ असिस्टेंट क्रीड रिजोल्यूशन जो भी बोलते हैं। और फिलहाल गाइस ये जो सामने बंदा खड़ा है ये भी एक खतरनाक सा असिस्टेंट है। यस गाइस मैं बता देता हूँ पहले ये है कौन। तो ये एक नॉर्मल असिस्टेंट नहीं है, ये हमसे भी ज़्यादा सातिर और माहिर है, मतलब ये बड़ी बड़ी जगहों पर यूँ ही चढ़ जाता है, ऐसा ही समझ लो। तो फिलहाल गाइस अभी मुझे इससे थोड़ी सी बात करना है और इसका नाम है यूसुफ, थोड़ा सा अजीब नाम है बट चलेगा। फिलहाल गाइस ऊपर का एनवायरनमेंट देखो यार, हर जगह पंछे पंछे उड़ रहे हैं और बड़ी मज़ेदार सी जगह है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी है, बट अच्छा है मेरा गेम लैग नहीं कर रहा है। चलो गाइस फटाफट से यूसुफ से बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। ऑलराइट गाइस अभी मुझे कुछ बात बात नहीं करनी, मुझे बस यूसुफ का पीछा करना है। ये मुझे शायद एक ऐसे अड्डे पर ले जा रहा है जहाँ पर इसकी तरह बहुत सारे असोसिएशन होते हैं, मतलब ये मुझे उस जगह पे ले जा रहा है। वेट 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 गाइस ये देखो ये कौन, अच्छा ये एक बोर्ड चलाने वाला है, मैं समझू ये जोकर होगा। फिलहाल गाइस यूसुफ मुझे उस जगह पे ले जा रहा है जहाँ पर और भी असिस्टेंट है, मतलब इसके भाई लोग इसके दोस्त लोग जो कि शायद से मुझे कुछ बताएंगे या मुझे सिखाएंगे कि मैं इनकी तरह प्रो कैसे बन सकता हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ। फिलहाल गाइस यहाँ पर ना हमें बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा क्योंकि यहाँ पर आजू बाजू सब दूर ना सैनिकों घूम रहे हैं, तो या मुझे संभल के रहना होगा। फिलहाल गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले मैंने बहुत ही लंबी एक तगड़ी सी फाइट ली थी और मैं आपको वो फाइट नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा लैग हो गई थी और इसी कारण से मैं आपको वो फाइट नहीं दिखा सकता। फिलहाल गाइस उसे छोड़ो, अपन यूसुफ के पीछे चलते हैं। अगर मैं आपको वो फाइट दिखाता तो आपको समझ आता कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिलहाल मैंने इसकी बहुत सारी कहानियाँ मिस कर दी है, मैंने इसे बस मजाक मस्ती में खेला बट मुझे नहीं पता था ये गेम बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर वाला होगा। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर सारे लोग ऐसे डर क्यों रहे भाई मुझसे, हेलो मैं कोई गुंडा बुंडा नहीं हूँ यार। वैसे गाइस ये जगह तो बढ़िया है बट लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। फिलहाल यार यहाँ पर बंदे लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। वैसे यहाँ चोर कटार, वेट 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 वो देखो वहाँ पर कुछ सैनिक भाग के गए हैं। चलो गाइस अभी इनकी भी थोड़ी धुलाई करते हैं, मैं तेज चल के कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि गाइस ये जो बंदा है ना ये बहुत ही धीरे चलेगा। अरे यूसुफ भाई थोड़ा तेज चलो यार, फिलहाल गाइस मुझे इधर जाना है ना। हो गाइस वो सैनिक पता नहीं कहाँ जा चुके हैं और मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ यूसुफ के, मुझे इसका नाम याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस अभी मैं पता नहीं किस जगह पे आ चुका हूँ और ये लोग बात करते करते आ रहे हैं। ओ वेट, यहाँ पर कोई शॉटगन से हमें मार रहा है। वेट गाइस बच गए भाई, ये यूसुफ तो बहुत ही चालू, इसने उसे चक्कू फेंक के मारा और ये देखो कितने सारे सैनिक आ गए। अभी इनकी बताते हैं, लेट्स गो गाइस अपने खतरनाक से वेपन्स इनकी 12 बजाता है। निकल पैंस की रंग बढ़ाते जरूरत है, निकल। वो वेट गाइस यहाँ पर और भी है तो पहले इसको निकल, निकल। ओके ये गया ना, तू भी निकल, मेरे पास वैसे तलवार नहीं है, मैं इनकी तलवार भी लेके जाऊँगा ऐसे, ले भाई निकल। ऑलराइट गाइस ले भाई, अरे मर भी नहीं रहा है भाई, रुको इसे छोड़ो, अरे रुक जा भाई, ले भाई ये गया। ऑलराइट गाइस एक को तो मैंने फिनिश कर दिया और लगता है कि सारे के सारे ऐसे भाग गए। ओ वेट नहीं गाइस ऐसे कोई भागा नहीं है बट ओ वेट वहाँ से कुछ और सैनिक भी आ रहे हैं, इन्हें क्या लगता है ये मुझे हरा सकते हैं भाई, ये कुटले खावेंगे मेरे हाथ से। ओके ओ वेट यहाँ पर इनके साथ ही आ गए, वाह यार भाई उन्होंने भगा दिया सैनिकों को। लेट्स गो गाइस मुझे पता नहीं था यूसुफ के भी यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं। वैसे गाइस यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लगता है यहाँ पर बाजार लगता है। और वेट यार कोई भिक्षा क्यों मांग रहे, हेलो गाइस यहाँ पर बहुत सारे भिखारी होने बैठे हैं। वाह मैं इन्हें कुछ दे भी नहीं सकता गाइस, मुझे लगा था मैं इन्हें कुछ दे पाऊंगा सिक्के विक्के बट मैं को नहीं पता कैसे देते या फिर दे ही नहीं सकता मैं। फिलहाल गाइस मुझे नहीं पता यूसुफ कहाँ जा रहा है और ये इतना धीरे चल रहा है कि मैं भी बिल्कुल थक चुका हूँ भाई, जल्दी चल दौड़ के चल। ऑलराइट गाइस नाउ अभी मैं इतनी दूर धीरे धीरे चल के इस जगह पे आ चुका हूँ यूसुफ का पीछा करते करते और शायद से गाइस इंटर द असिस्टेंट HQ। वाओ गाइस इन लोगों ने उस कमरे मतलब उस जगह का नाम है असिस्टेंट HQ, मतलब वहाँ सारे के सारे असिस्टेंट रहते हैं। और मुझे भी वहीं जाना है, ये वाला दरवाजा है क्या, नहीं भाई ये वाला नहीं है, मुझे दूसरे वाले दरवाजे से जाना है। हेलो ये यहाँ पर खड़े खड़े मुझे, ओ वेट ये चमक रहा है, लेट्स गो गाइस ये वाले दरवाजे से मुझे अंदर जाना है, चलते हैं सीधा इसके अंदर। ओके ऑलराइट गाइस तो यहाँ पर भी बहुत सारे असिस्टेंट हैं शायद से बैठे हुए और सब के सब एक जैसे ही दिख। फिलहाल गाइस ये हमारा कोई निशान है जैसे कि हम ऐसे करके इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, हेलो हाय कहते होंगे और क्या। फिलहाल गाइस शायद से ये बंदा पूछ रहा है कि तुम्हारे पास वेपन कौन कौन से, तो मैंने अपना छुरा निकाल के बताया कि भाई मेरे पास बस यही है। नाउ गाइस मुझे जाना है शायद से कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, तो सबसे पहले अपन असिस्टेंट के HQ से यहाँ से निकलते हैं, मतलब ये इनकी जगह से निकलते हैं और चलते हैं एक ब्लैक स्मिथ के वहाँ पर जहाँ पर मुझे वो मिल सकता है।
और राइट गाइस, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो मुझे जाना है और थोड़ी से अपने लिए वेस्ट वगैरह खरीदना है ताकि हम कहीं फाइट करने जाए तो हमें चोट ना लग जाए। वेट, यही है जगह क्या? ओके साथ से गाइस, मुझे यहीं पर आना था और यही है जो कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। और राइट, फिलहाल गाइस मुझे एक आर्मर चाहिए तो मैं एक बढ़िया सा आर्मर खरीदूंगा और मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है बट शायद इतने में आ ही जाएगा। लेट्स गो गाइस। और राइट गाइस, नाउ अभी मैंने अपना एक बढ़िया सा आर्मर खरीद लिया है। वैसे यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ बट मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है यार। फिलहाल गाइस शायद से अभी हमें वापस उसी जगह पे जाना है जहाँ पर वो लोग हैं और वो मुझे शायद से कुछ बताएंगे। यार चलो चलते हैं, ये रहे यार सारे के सारे। ऑल राइट गाइस, नाउ यहाँ पर हम आ चुके हैं वापस से और ये लोग लगता है मेरे आर्मर को देख के खुश हो रहे हैं, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ है, बस मुझे एक यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है लगा हुआ, वही मेरा आर्मर है। फिलहाल गाइस शायद से मुझे किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं और देखो इसके हाथ में ना कुछ अलग है, मतलब मेरे पास तिखोना सा है बट इसके पास तिखोना नहीं है, कुछ अलग सा मुड़ा हुआ है। ये देखो गाइस, यस गाइस इसी की बात कर रहा है, इसके आगे वाले में ना एक हुक लगा है, शायद से गाइस इसे ना चढ़ने में यूज़ करते हैं और ये मुझे भी एक दे रहे हैं। वाओ यार ये तो कमाल हो गया भाई, मेरे को भी एक न्यू वेपन मिल चुका है। लेट्स गो, अभी अपन को इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करना पड़ेगा यार। शायद से मुझे इनके साथ जाना है, ये देखो गाइस इनके साथ ही जा रहे हैं और शायद से मुझे इनके पीछे पीछे जाना है। लेट्स गो, वेट ये उधर जा रहे हैं, मेरे को भी इनके पीछे जाना है ना। वाओ वेट, वार्निंग डिस्टेंट टारगेट, वेट मैं गलत समझा। ओके गाइस मुझे इनका पीछा नहीं, मेरे को यूसुफ का पीछा करना है और वही बंदा पता नहीं कहाँ पर है यार, वो शायद से ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ चुका है यार। ओके वो शायद से ऊपर गया है तो मुझे भी फटाफट से ऊपर चढ़ना होगा। लेट्स गो, ओ वाओ गाइस इस चीज़ का मैं बढ़िया यूज़ कर सकता हूँ और यूसुफ भी यहीं पर है। लेट्स गो, वो जंप कर रहा है भाई, लगता है गाइस ये मेरी परीक्षा ले रहा है यार एक तरह से। रुको अभी मेरे को पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर बता दे कि इसे कि हम कितने ज़्यादा प्रो है। पिछली बार मैं बहुत गिरा था बट इस बार ना गाइस गिरना नहीं है, इस बार तो भाई लगा देना। लेट्स गो, जंप करते हैं यहाँ से। ओके पकड़ लिया। नाउ गाइस ये जगह दिखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है तो मज़े तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। फिलहाल गाइस ये और ज़्यादा आगे जा रहे हैं और जंप करा। लेट्स गो, अपन को भी आगे जाने का है और ऊपर चढ़ना है भाई। इसका जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है जिसकी हेल्प से हम आगे जा पाते हैं। लेट्स गो, धीरे धीरे आगे चलते हैं भाई। मुझे ये वेपन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है जिसकी हेल्प से मैं आराम से कहीं भी चढ़ सकता हूँ। चलो गाइस फटाफट से इसका पीछा करते हैं। लेट्स गो। ओके भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसकी जंप भी बहुत ज़्यादा होती है भाई, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा चालू। वेट गाइस, ये बंदा पार्कोर में एक्सपर्ट लग रहा है मुझे। ये देखो गाइस कैसा जा रहा है वो। वेट मुझे भी जाना है। लेट्स गो भाई, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा तेज है यार। ले भाई मुझे भी जाने दो। ओके अरे यूसुफ भाई थोड़ा तो रुक जा भाई, ये बंदा ना यार। वेट गाइस, ये कोई नॉर्मल असेसियन नहीं लग रहा है मुझे, पूरा खतरनाक सा ट्रैंड असेसियन है। लेट्स गो, जंप करते हैं, मुझे उसके तक पहुँचने में। वेट मैं इधर नहीं आना, अरे यार ओ वेट मैं गिर गया, मुझे उसके पास जाना यार, मैं फिर इधर उधर भटक रहा हूँ बेफालतू में। क्या मैं लंबी जंप कर सकता हूँ? वाओ गाइस मैंने पकड़ लिया भाई, वो बंदा इतनी देर से वहाँ पर खड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा है, बोल रहा होगा भाई कितना नूब है यार तू। ऑलराइट ये फिर से पार्कोर कर रहा है भाई, मत कर पार्कोर प्लीज़ यार। लेट्स गो गाइस, अपन को भी इसके साथ साथ पार्कोर करना पड़ेगा और मैं तो एक्सपर्ट हूँ यार, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ले भाई ओ वेट, मैं फिर इधर आ गया थोड़ा सा। लेट्स गो वेट, मैं फिर इधर आ गया यार। उधर जाना इतना मुश्किल क्यों है भाई मुझे नीचे से यार? अरे यार हट यार, मैं नीचे से जा रहा हूँ भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे ही नहीं होगा यार, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके मैं ऐसे ये कर सकता हूँ। लेट्स गो, इधर से अपन चलते हैं। वैसे अपन भी पार्कोर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है यार। ये देखो अपन आ गए। लेट्स गो, वो बंदा वहीं खड़ा है और वो हमारा इंतजार कर रहा है, मुझे इधर से जाना पड़ेगा। ले भाई ओ वेट, मैं कूद गया। अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वो सोचता होगा यार कितना बड़ा नूब है यार, कितनी देर से ट्राई कर रहा है बट ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेट्स गो ऊपर चढ़ते हैं। वाओ मैं आ गया। नाउ गाइस वो वहाँ पर जा चुका है और मैं अभी भी यहीं पर हूँ। ले भाई जंप करते इधर, मुझे पता नहीं क्या नीला सा मिला है बट गाइस मैं आ चुका हूँ चेक पॉइंट पे और नाउ ये फिर उधर जा रहा है। अरे भाई बच गया। लेट्स गो इसका पीछा करते हैं। कुछ भी बोले यार, ये यूसुफ ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक असिस्टेंट है यार, देखो हर चीज़ कर पा रहा है। ओके गाइस नाउ अभी इसके पीछे पीछे अपन को जाने का है। लेट्स गो, देखते गाइस ये हमें कहाँ ले जाता है और क्या बताता है। शायद से गाइस ये हमें एक अलग ही जगह ले आया है। ओ अच्छा गाइस, ये तो वही बंदे जो कि मेरे सामने से गए थे, मुझे भी इनके साथ आ जाना चाहिए था यार, वो पैदल पैदल आया आराम से और हम फालतू हीरोगिरी कर रहे थे ऊपर। ओके तो ये मुझे कुछ बता रहे। वेट ऑलराइट, तो ये मुझे बता रहे कि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा ऐसे, मतलब बंदे के ऊपर से कुछ करके निकलना है भाई, ये मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। ओके
हुक एंड रन करना है मुझे, कैसे करते हैं भाई? रुको यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे शिफ्ट दबाना है, देन नहीं हुआ। अच्छा, मुझे दबाए रखना है होल्ड। लेट्स गो गाइस, अभी देखो मैं कर सकता हूँ। ले भाई, अरे भाई ये क्या हो गया? वेट यार, मुझे ना अच्छे से करना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। वेट गाइस, अब इनको नॉर्मल सा रन करना है एंड ऐसे कुछ करना है। वेट, मैंने कर लिया, हो गया क्या? अच्छा, मुझे दो तीन बार और करके इन्हें दिखाना पड़ेगा। वेट, ये देखो गाइस। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हमारे। लेट्स गो गाइस, मैंने टोटल तीन बार कर दिया, बट हाँ मुझे टाइम लगा यार, मैंने उसके जो होता है ट्यूटोरियल्स ऑफ कर दिए थे। फिलहाल गाइस, यूसुफ हमें आगे और बताएगा कि हमें करना क्या है, और वो हमें सिखाएगा आगे के मूव्स कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बहुत टाइम के लिए यहीं पर रहने वाले हैं, तो हमें ये सब सीखना पड़ेगा। फिलहाल गाइस, ये मुझे इसके बारे में बता रहा है कि इसका कुछ और भी यूज़ हो सकता है शायद से। ऑलराइट गाइस, लगता है गाइस ये मुझे इस टावर पे चढ़ने को बोलने वाला है। ये थोड़ा अलग हो गया यार, मुझे इस टावर के पूरे टॉप पे जाना है। मतलब ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इमारत है, और मुझे इसके ऊपर जाना है। और ये भाई साहब तो पहले ही चले आ रहे, मेरे लिए तो रुक जा भाई, वो जा रहे हैं। चलो भाई, अपन भी चलते हैं इसके पीछे पीछे। भाई वो तो पहले ही भाई ले भाई, और ये कमाल की चीज़ है यार, देखो मैं कितनी ऊपर जंप करके पकड़ सकता हूँ ना। वो भी मुझे फटाफट से इसके साथ साथ ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मैं आराम से कर लूँगा यार। ये बहुत ईजी है। फिलहाल मैं ऐसे मेरे को जंप करना पड़ेगा ना, लंबी जंप करते हो जाएगा। लेट्स गो गाइस, एक और लंबी जंप करते, मुझे थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा। लेट्स गो, एक मुझे लंबी जंप करना है। लेट्स गो, पकड़ लिया ना, एक और इसे भी पकड़ लिया। गाइस अगर सोचो मैं यहाँ से गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जानी है। लेट्स गो, एक और जंप ना गाइस, मैं ऊपर आ चुका हूँ और मुझे थोड़ा ऊपर जाना। वो बंदा तो लिटरली वहाँ ऊपर चढ़ के मेरा वेट कर रहा है कि भाई जल्दी आ यार, तेरे चक्कर में मैट का पड़ा हूँ। लेट्स गो, मैं आ रहा हूँ भाई। वो बंदा बहुत ज़्यादा फास्ट है। हाँ यार, फास्ट तो होगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस जगह पे रह रहा है, तो उसको भाई एक्सपीरियंस हो चुका होगा इन चीज़ों का, वो डेली करता होगा यार ये सब। और इतनी ऊपर तो भाई असली से नहीं चढ़ सकते ले भाई। ओके गाइस ना, अभी मैं फटाफट से पहुँच ही गया। ओ वेट, तो गाइस मुझे सिंपल से इस टावर को सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर चढ़ना था, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया यार। अब पहली बार में कौन इतना अच्छा कर सकता है? लेट्स गो गाइस, मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब की बार तो भाई मैं सिर्फ 30 सेकंड के अंदर चढ़ जाऊँगा, टेंशन ना लो। ऑलराइट गाइस, नाउ अभी हम आ चुके हैं टावर के पूरे टॉप पे, और यहाँ पर यूसुफ हमें पता नहीं क्या बता रहा है। लगता है ये व्यू दिखा रहा है भाई। देखो वैसे गाइस, यहाँ से पूरी जगह का व्यू दिख रहा है यार, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल है। बट गाइस, मैं कुछ ही जगह पे जा सकता हूँ, मैं GTA की तरह नहीं हर जगह घूम सकता हूँ। फिलहाल गाइस, ये बंदे ने यहाँ से जंप लगा दी। वेट गाइस, उस बंदे ने यहाँ से जंप लगा दी। यूसुफ टपक तो नहीं गया ना यार? लगता है गाइस मुझे भी यहाँ से जंप लगानी। वैसे ये देखो गाइस, इससे ज़्यादा कमाल की चीज़ क्या हो सकती है भाई साहब? बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। लेट्स गो, जंप कर दिया और नीचे थोड़ा हाँ चारा वारा है, वो सूखा चारा जो होता है, और मैं बच गया भाई। मैं तो टपक ही जाता वरना। भाई ये जो चीज़ें थी मुझे बताइए, ऊपर चढ़ के पूरी जगह का व्यू लेना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। फिलहाल गाइस, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, और यहाँ पर कोई असेसियन दौड़ता हुआ आया है और ये कुछ बोल रहे हैं हमें। वेट गाइस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, और अभी हम भी उसका साथ देने वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलो गाइस, अपन देखते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ करना है। लेट्स गो नाउ गाइस, अभी यूसुफ मुझे बताएगा कि मैं कैसे रस्सियों पर लटक के इधर से उधर जा सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आराम से कर लूँगा। लेट्स गो, फटाफट से पहले अपन ऊपर चलते हैं एंड इसको फॉलो करते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ अभी मैं आ चुका हूँ एक बढ़िया सी छत पे, और यहाँ से ये बंदा मुझे सिखाएगा कि कैसे ऐसे जा सकते हैं। देखो कितना बढ़िया यार, ये हर जगह मैं ऐसे ही ट्रैवल कर सकता हूँ। बट हाँ, एक चीज़ मुझे ध्यान रखना होगा, मैं ऊपर से नीचे आ सकता हूँ, नीचे से ऊपर नहीं। लेट्स गो गाइस, चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी यार, ये तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ओके नाउ गाइस, यहाँ पर वो बंदा फिर भागे जा रहा है भाई, इसको बहुत ज़्यादा चलती है। वैसे बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर है यार। लेट्स गो गाइस, अपन भी चलते हैं। और शायद से गाइस, ये मुझे बहुत दूर ले जाने वाला है। लेट्स गो, अभी मुझे फटाफट से ऊपर चढ़ना है भाई। यह तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ले भाई, ओके मैं ऊपर आ गया। फिलहाल गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं। ओके नाउ गाइस, सामने एक बंदा है, और शायद से ये करने वाला है वो जो मैं सोच रहा हूँ। जिस गाइस, ये रस्सी पे लटक के शायद से ऊपर से उसके ऊपर अटैक करेगा और मुझे बताएगा। वेट, शायद से गाइस यही करने वाला है। और वेट, लेट्स गो गाइस, इसने उसे ख़त्म कर दिया। ओ वेट गाइस, अब ये कुछ कर रहा है। ओ वेट गाइस, ये आवाज़ निकाल रहा है ताकि वो इधर आ जाए। अब मेरी बारी है शायद से गाइस, और मैं तो एक ही बार में कर लूँगा, अभी देखते जाओ। गाइस मुझे भी जाना है, पहले पीछे होते थोड़ा सा। लेट्स गो, अभी मुझे बस टाइमिंग पे इस पर वो जंप करना है। लेट्स गो गाइस,
नाउ गाइस मैंने इसे भी खत्म कर दिया। वाओ ये तो काफी मजेदार था और बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेट्स गो, अभी हम टॉप पे आ चुके हैं गाइस, अभी ये मुझे कुछ और बताएगा। और राइट गाइस, अभी यूसुफ थोड़ा आगे जा चुका है, अपन को भी उसको फॉलो वेट में गिर जाता अभी अभी मैं ऐसे ही गिर जाता यार। लेट्स गो, अपन को यहाँ से वहाँ जंप करना है और यूसुफ तक पहुँचना है। वैसे वहाँ पर कुछ बंदे लोग हैं, उन्हें भी हमें फिनिश करना होगा। तो चलो पहले यहाँ पर कुछ चमक रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, बट इसे ले लेते हैं। ओके गाइस, मैंने उसे ले लिया है, मुझे संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि आगे कुछ बंदे लोग हैं और इस पर तो मैं यूँ ही अटैक कर सकता हूँ। अब वेट, वो थोड़ा दूर चला गया, बट ले भाई तो ये कहा चुपचाप निकल। ओके गाइस, ये तो ऐसे ही ढेर हो गया यार। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर और कोई नहीं है फिलहाल। गाइस मैंने इसे ढेर कर दिया, अभी फटाफट से यहाँ से चलते हैं अपन। ओ वेट गाइस, कोई ने मेरे ऊपर शॉट गन से मारा और ये कहाँ से आ गया। वेट गाइस, इसको बताता हूँ। अरे रुक जा भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से भाई, उसको छोड़ो, अपन फटाफट से यहाँ से आगे चलते हैं यार। उसके चक्कर में क्यों रहूँ मैं यार, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओ वेट, यहाँ पर भी एक बंदा है, इसको पीछे से पहले थप्पा करते हैं, वेट में गिर जाऊँगा ऐसे। अरे यार मुझे उसे फिनिश करना पड़ेगा वरना ये मुझे शॉट गन से ठोकड़ा लेगा भाई, ऐसे इस यार हम डरते नहीं हैं। ओ वेट, अच्छा ये तो यूट्यूब है यार, कोई बंदा नहीं है यार, मैं भी क्या पागल हूँ भाई। ओके गाइस, अब इससे बात करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। ओ वेट गाइस, ये यूसुफ नहीं है, या शायद से यूसुफ ही है। गाइस लगता है यूसुफ ने ना मुखौटा डाल लिया तो वो पहचान में नहीं आ रहा है। ओ वाओ, तो गाइस मुझे सिंपल सा, सामने वाले जब हम पे अटैक करते तो हम कैसे तैयार रहते हैं उनको हराने के लिए, शायद से हमें वही करना है। और राइट गाइस, नाउ अभी हम इस जगह पे आ चुके हैं, बट अभी रात हो चुकी है और शायद से गाइस यहाँ पर ना कुछ सैनिकों का हमला होने वाला है और जिसकी हमें तैयारी करना है। देखो गाइस, यहाँ पर हमें सब बता रहे हैं कि हमें क्या कुछ करना है, कैसे करना है, खुद को डिफेंस मोड में कैसे एक्टिव रखना है। ओके तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब मुझे सब दूर सैनिक होन लगाने पड़ेंगे हर जगह, कुछ ना कुछ एक दो सैनिक होना चाहिए ताकि कोई अटैक करे तो ऊपर से वो अटैक कर सके उनके ऊपर। फिलहाल यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ और ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। फिलहाल गाइस मुझे छतों देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी छतों पे बिठाना चाहिए, तो मुझे लगता है सामने की दो छत सही है, वहाँ पर मुझे बिठाना चाहिए असिस्टेंट को, क्योंकि गाइस यहाँ से वो आ सकते हैं। एक तो बैठा हुआ है, बट गाइस और दो तीन बंदे होंगे तो अच्छा होगा। और राइट, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट बिठाने दो, क्योंकि गाइस वो जैसे इधर आएंगे हम भाई बढ़ जाएंगे उनके ऊपर और उनकी बारह बजा देंगे। तो मुझे कुछ बंदे सामने भी रखना चाहिए क्योंकि सारे के सारे अपने इधर रहेंगे ना तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ओ वेट गाइस, ये क्या हो रहा है, वेट वहाँ पर से कोई लोग आ रहे, वेट ये तो सैनिक है यार। वाओ गाइस, यहाँ से बहुत सारे सैनिक आ चुके हैं, इनको यहाँ से पहले ढेर करते हैं। मुझे टोटली शायद से 19 बंदों को ढेर करना है। ले भाई निकल। ओके अभी मुझे और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर बंदे आएँ तो मैं उन्हें संभाल सकूँ। फिलहाल यहाँ पर मुझे और असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है और यहाँ पर शायद से मैं कुछ बिल्ड्स भी बना सकता हूँ जिससे कि हम खुद का बचाव कर सके, मतलब वो लोग इधर ज़्यादा ना आ सके। मुझे इसे सामने ही लगाने दो यार, क्योंकि सामने से वो आ रहे तो मैं सामने लगा देता हूँ। ओके यहाँ पर ओके लग गया ना होगा, इस शायद से वो और आ रहे हैं। वेट मैं रेडी तो हूँ ना यार, मुझे गड़बड़ नहीं करना है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो गाइस शायद हमारा घर पर टूट जाएगा और वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। ऑल राइट गाइस, वो आ चुके हैं, लेट्स गो गाइस, क्रॉसबो से इनकी धुलाई करते हैं। ले भाई मेरे पास छोटा सा क्रॉसबो है, इससे क्या ही होगा, बट ट्राई कर सकते हैं हम लोग इनको मारने का। बट गाइस लगता है वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तोड़ रहे हैं, उनके पास ऐसे कुल्हाड़ी वगैरह है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से उस चीज़ को तोड़ रहे हैं और अंदर आने का ट्राई कर रहे हैं। बट मुझे सबको ढेर करना पड़ेगा, अगर ये लोग अंदर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ओ वेट, और ढेर हो चुके हैं। फिलहाल गाइस काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा के उनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, अभी हमने उन्हें बहुत बार हरा चुका है, बट गाइस लगता है इस बार वो दोबारा से आ रहे हैं। और वेट गाइस, इस बार तो ये कुछ बड़ी सी गाड़ी लेके आ चुके हैं यार। गाइस ये तो लगता है मेरे को आज हरा के मानेंगे, गाइस मैंने कुछ सिक्योरिटी में गड़बड़ नहीं करी हो वरना ये हमारे एरिया में घुस जाएंगे। और वेट गाइस, उन्हें तो अटैक का कुछ भी असर नहीं हो रहा है यार। गाइस वहाँ पर कुछ बंदे, अगर मैं नीचे जा सकता ना तो मैं जाके सीधा उनको ख़त्म कर देता, बट मैं छत पे से हिल भी नहीं सकता और क्रॉसबो से कैसे टूटेगी ये गाड़ी यार। अभी मैं यहाँ पर और बिल्ड्स नहीं लगा सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो बिल्ड्स लगा दिए हैं और वो भी बाजू में लगाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वेट, उसने तोड़ दिया। नहीं गाइस ये तो आगे आ रहा है यार, रुको इसको अटैक करो भाई, भाई जल्दी से तोड़ना पड़ेगा वरना ये अंदर घुस गया तो भाई ये तबाही मचा देगा। वेट मैं क्रॉसबो से अटैक ही नहीं कर पा रहा हूँ। वेट पता मेरा क्रॉसबो, वेट उसने वो दीवार भी तोड़ दी है, अब ये सीधा उस घर के ऊपर धावा बोल चुका है और ये भाई उसको लकड़ी से मार रहा है, मतलब एक बड़े से लकड़े से, और वह घर सामने वाला जल कैसे सकता है। मैंने गलती कर दी यार, मुझे सभी को उधर की साइड रखना चाहिए था क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये बड़ी गाड़ी आने वाली है यार, वरना मैं रेडी रहता। बट गाइस लगता है हम हार चुके हैं,
बट साइंस से हम जीत भी सकते हैं अगर हमने इसे तोड़ दिया तो, बट मैं तो अभी फायर नहीं कर पा रहा हूँ तो यही कर रहे हैं। मैं कर सकता हूँ, लेट्स गो गाइस, मैं भी कर सकता हूँ। ओके गाइस नाउ, अब इनकी गाड़ी तो टूट चुकी है बट गाइस असिस्टेंट का किला जो रहता है वो जल चुका है लिटरली। ओ वाओ, मैं हार चुका हूँ, मुझे दोबारा से ये सब करना पड़ेगा फिर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को असिस्टेंट की यह सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड गुड बाय, सी यू।